क्या इसे पेटी सेल्फ इंटरेस्ट हो गया अगर कोई बंदा अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना तो फिर ख्याल रखने के लिए थप्पड़ भी खाना, आप शिकायत क्यों कर रहा है? हम खुद अपने ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, फिर वही कंस्ट्रेंट्स जब पलट के हमको डसने आते हैं तब हम रोते हैं कि हम तो विक्टिम हैं। आप विक्टिम हो क्या? यहाँ पर दोषी जो है केवल जो विक्टिम है उसको आप दोषी ठहरा दें और जो शोषण कर रहा है उसके बारे में एक शब्द ना बोले, ये गलत है। ऐसा नहीं है, जिसका शोषण हो रहा है लेकिन वो इस स्थिति में कहाँ है? इस स्थिति में होता वो कि जो कि अपने शोषण को समझ पाता, उसका प्रतिकार कर पाता। शोषण होता ही क्यों? मान लो एक आदमी है जो बेचारा है, ज़्यादा अपने लिए लड़ नहीं सकता, उसे आकर कोई मारता पीटता है, उसके ऊपर पेशाब करता है और चले जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती उस केस में, सरकार कुछ नहीं करती, तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? क्या वो अपने लिए जस्टिस खुद ले, जिसने उसके साथ ये किया उसे जाके मारे, रिवेंज ले, या फिर चुप करके बैठा रहे? ये एक्चुअल में ये ध्रुव राठी ने एक मोरल डिलीमा रखा है सामने कि अगर कोई व्यक्ति है कमज़ोर है और कोई आकर ताकतवर व्यक्ति उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव करता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जरा सुने आप आचार्य प्रशांत का इस जो चीज सामने रखी है उस पर क्या कहना है उनका। मैंने अपने आप को इस स्थिति में रखा है जहाँ पर कोई आकर के मेरे ऊपर अत्याचार कर सके। मेरे साथ अगर कभी कुछ गलत हो रहा है ना तो उसमें मेरा रोल भी है। किसी का बहुत शोषण हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आज से 2 शताब्दी पहले कोई स्लेव हो सकता है, वो किसी बहुत पिछड़ी हुई जगह पर कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। मैं पूछता हूँ तुम वहाँ हो क्यों? वो कहेंगे मैं और जाऊँ कहाँ? मैं कहूँगा बाहर जाने में डर क्या है? बोले खाना नहीं मिलेगा। यही तो लालच है ना, रोटी के खातिर तुम अपना शोषण करवा रहे हो। तुम जीने का मोह ही त्याग दो। तुमको अगर चोट खाना बुरा लग रहा है तो तुम कहो नहीं खाऊंगा चोट, प्राण दे दूंगा चोट नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा तेरे सामने। क्या इसे पेटी सेल्फ इंटरेस्ट हो गया अगर कोई बंदा अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना? तो फिर ख्याल रखने के लिए थप्पड़ भी खाना, आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? हम खुद अपने ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, फिर वही कंस्ट्रेंट्स जब पलट के हमको डसने आते हैं तब हम रोते हैं कि हम तो विक्टिम हैं। आप विक्टिम हो क्या? कमाल देखिए, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कि कमजोर स्थिति में है और कोई ताकतवर आकर उसके साथ बदतमीजी करता है, तो बजाय कि ये कहने के कि वो जो व्यक्ति है जो कि उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है वो गलत है, ये विक्टिम को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उसी को कह रहे हैं कि भाई तू कमजोर है और तू विरोध नहीं कर रहा है, इस वजह से तू पिटाई खा रहा है। एक्चुअल में क्या ऐसा होता है कि समाज के अंदर आप देखें कि अब ऐसे तो इस नजरिए से देखा जाएगा तो फिर तो आप जिन लड़कियों के साथ रेप होता है उनको भी दोषी ठहरा दें, और बहुत सारे लोग ठहराते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ रेप हुआ तुम्हारी गलती है। एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर बनता है उस तरह का, एक पूरा एक समाज खड़ा होता है और वो कोई इंडिविजुअल नहीं खड़ा करता। कोई अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा तो उसने वो नहीं खड़ा करा, वो तो पता नहीं कब से सैकड़ों सालों से ऐसी व्यवस्था चली आ रही। हाँ ठीक है, उसे विरोध करना चाहिए और लोग करते भी हैं। भाई किसको अच्छा लगता है कि कोई उसके साथ बदतमीजी कर जाए? किसी को अच्छा नहीं लगता, वो उसके उसके बस का जितना होता है वो करता है व्यक्ति। लेकिन पूरी तरह से उसी पर दोष डाल देना कि भाई ये सब तुम्हारा ही दोष है और जो जिसने किया है उसके उसके लिए पूरी वीडियो में एक शब्द नहीं बोला। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको दोषी ठहरा दिया, चलो एक बार को हम इसको भी, लेकिन जिसने कराया उसके बारे में को भी कुछ एक दो शब्द बोले जाएंगे, कुछ भी नहीं बोला। पूरी वीडियो में जो विक्टिम है उसी को दोषी ठहरा दिया, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। ठीक है चलो हम एक बार को बात मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये बात एक्सेप्ट कर ली कि भाई जो विक्टिम है उसने वो ऐसा होने दे रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो भी तो कर रहा है ना, वो कहाँ रुक रहा है? जो दोषी फिर दोनों हो गए ना बराबर के, और फिर जो कर रहा है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक्चुअल में तो जिसके साथ हो रहा है वो उसका कोई गलत इंटेंशन थोड़ी है, जो करने वाला है उसकी गलत इंटेंशन है ना। बहुत बचकानी बात अर्पित जी, इसने तो पूरा का पूरा शोषण को ही डिफेंड करने की कोशिश करते। मतलब जो विक्टिम है वो वही उसी की गलती है। किसी के साथ कास्टिज्म हो रहा है तो उसकी गलती है, किसी के साथ गरीबी में रखा जा रहा है किसी को उसकी सैलरी नहीं मिल रही और उसको काम करने वो मजबूर है बेचारा वहां पे काम करने को, तो उसकी ही गलती है। उस शोषणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक शब्द भी बोले बगैर और बंदा इतनी बेशर्मी से डिफेंड कर रहा है, मतलब अपने आप को ज्ञानी बता रहा है। गोलमोल बात करके क्या साबित क्या करना चाहता है ये बंदा कि ठीक है मैं बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूँ, मैं बहुत रैशनल बाबा हूँ। बड़ी बेशर्मी वाली बात की इसने, मुझे तो यहाँ पहले ही इस लाइन पे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया इस पे। थोड़ा बहुत इनका जो कहना है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि थप्पड़ को खाना है तो खा लो भाई, थप्पड़ की जगह गोली रख दो, क्या मुकाबला करोगे उसका? थप्पड़ को तो आप सहलोगे और फिर आप उसका प्रतिकार करके 2 थप्पड़ मार दोगे, पर अगर किसी ने आपके सर पे गोली मार दी तो क्या?
और बहुत सी बार शोषण जो होता है वो इतना आतंकित तरीके से किया जाता है कि सामने वाला पूरा जो समाज है या व्यक्ति है, आज भी रेप विक्टिम्स को, सर्वाइवल को, उनकी फैमिली को इतनी सारी धमकियां आती हैं, क्योंकि यूजुअली रेपिस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है, उसकी कोई रसूख होता है, तो उनको केस विड्रॉ करने के लिए चाहे जेल में वो लड़का हो, आदमी हो, फिर भी उसके घर वालों से और पॉलिटिशियन से, गुंडों से उस घर को इतना तबाह किया जाता है कि इस तरह का विक्टिम बनना कौन पसंद करता है? और अगर पसंद करता है तो मैं कहूंगा इट्स अ फेल्यूर ऑफ अ हेल्दी कंट्री एंड सोसाइटी। देखिए, आप थोड़ा सा सोसाइटी को समझें कि सोसाइटी किस तरह से वर्क करती है। कोई भी जो व्यवस्था बनी आ रही है वो एक लंबे समय से बनी हुई आ रही है, और उसमें जो पीड़ित है उसे भी नहीं पता होता कई बार कि भाई वो भी शोषण, उसी शोषण वाली व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, और वो उस जो शोषण उसका हो रहा है उसको उतने शिद्दत से महसूस नहीं कर पाता, उसके लिए वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो पीढ़ियों से हो रहा है। उसने देखा उसके दादा के साथ भी ऐसा हुआ, उसके पिता के साथ भी है, उसके साथ भी ऐसा, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है ठीक है हमारे जो आसपास लोग हैं हम सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर दोषी जो है केवल जो विक्टिम है उसको आप दोषी ठहरा दें और जो शोषण कर रहा है उसके बारे में एक शब्द ना बोलें, ये गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, जिसका शोषण हो रहा है, लेकिन वो इस स्थिति में कहाँ है? इस स्थिति में होता वो कि जो कि अपने शोषण को समझ पाता, उसका प्रतिकार कर पाता। शोषण होता ही क्यों भाई, जो जिस समय जो सती प्रथा चल रही थी, जिन स्त्रियों को सती करा जा रहा था, उनकी तरफ से हाँ जरूर ठीक है, जब जिस समय ये सब होता होगा तो कुछ प्रतिकार के स्वर उठते होंगे उस समय भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता था कि हाँ ठीक है ऐसा तो हो ही रहा है, वो फला भी तो सती हुई थी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर किसी को बाहर से आकर इस जो ये जो चली आ रही व्यवस्था इसको तोड़ना पड़ता, लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई ये गलत है, मत करो ऐसा। अब बजाय इसके कोई कहने लगे, राजा राम मोहन राय हैं वो उस समय कह देते कि भाई ठीक है तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे तो ठीक है झेलो, ऐसी अभी तक चल रहा होता वो, उन्होंने करा ना, उन्होंने जाकर उसको जगह जगह जाकर उन्होंने समझाया, उसके लिए प्रयास करे, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय उससे कानून बनवाए, तब जाकर ये शोषण रुका ना, वरना तो चल रहा होता। ऐसे तो कोई भी आसान है बैठे बैठे कह दे भाई आप तो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए ना, आपके साथ तो हो नहीं रहा, तो मुंह चलाने में क्या जाता है, कोई मुंह चला दो, बोल दो हाँ ठीक है ना तुम ऐसा होने दे रहे हो इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ, और मैं जस्ट ऐड करता हूँ अर्पित जी, अगर शोषित आपके सामने किसी का भी शोषण हो रहा है तो उस बंदे को या उस समाज को आप सपोर्ट दे, उनको समझाए, ये हमारी एज अ आई वुड से कि हम प्रिविलेज है, हम पढ़े लिखे हैं, हम मजबूत है औरों के कंपेयर, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपके सामने जो गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना चाहिए, ये ना कहना चाहिए प्रशांत की तरह कि भाई ये अपने आप बन रहे, खाओ थप्पड़, आपको फैमिली चलानी है तो खाओ थप्पड़ भाई, हर एक को फैमिली चलानी है, किसको नहीं चलानी, ये कोई तुक नहीं बनता कि आप जहां पे बैठे हैं वहां आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। और जो गुलामगिरी की मुझे एकदम याद आती है हर वक्त कि गुलामों को गुलामगिरी की, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो लिखा है ना, गुलामों को भी पता नहीं होता कि वो गुलामगिरी में है, पर आपको पता चल रहा है ना कि ये सब जो है वो अमानवीय हो रहा है, तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? ऐसे ही स्टेटस को बना रहे और शोषित वर्ग शोषण शोषित रहे, तो एक तरह का इसमें फिर जातिवाद आ जाता है, और वही जातिवाद जो है वो हिंदू धर्म की बेसिक फाउंडेशन है।